नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महर्षि वेदव्यास हमारी भारतीय परंपराओं के मूल आधार में हैं। हमारे चारों वेद महर्षि वेदव्यास की देन हैं। ईश्वरीय लेकिन व्यवस्था महर्षि वेदव्यास जी ने करके हमारे तक पहुंचाया। पुराण श्रीमद् भागवत पुराण और शिव पुराण जितने भी पुराण हैं, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, सब पुराण महर्षि वेदव्यास की देन है। अकेला महाभारत ग्रंथ 100,000 श्लोकों का महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत और हम सब की जीवन दायिनी संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता, गीता मेरी जान है मेरी शान है इसे छोड़ूं कैसे, हमारे गुरुदेव के प्राणों में रमी हुई गीता। गीता मेरी जान है मेरी शान है इसे छोड़ूं कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ूं कैसे। ये गुरुदेव के शब्द और इसी निमित्त इसी भाव से गुरुदेव को भी प्रणाम हो गया। हम सब की जीवन प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता, उसके मूल में भी महर्षि वेदव्यास जी हैं। यद्यपि साक्षात श्री भगवान की दिव्य वाणी है भगवद गीता, लेकिन आप सोचें यदि महर्षि वेदव्यास ना होते, भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को महर्षि वेदव्यास जी ने लेखनी में ना उतारा होता और महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें तक के 18 अध्यायों में स्थान न दिया होता, तो शायद भगवद गीता, गीता का उपदेश महाभारत युद्ध की एक घटना मात्र रह जाता। ये तो याद रहता कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व गीता उपदेश दिया था, लेकिन क्या दिया था वो हम तक पहुंचा व्यास कृपा से। और इसीलिए संपूर्ण गीता उपदेश के बाद संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी महर्षि व्यास की कृपा से, वो स्वीकार करते हैं कि मैंने भी गीता उपदेश सुना। कैसे? व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं।
देखो कितनी भाव दिव्यता है शब्दों में। संजय कहते हैं, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यता स्वयं। मैंने सुना तो साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण के श्रीमुख से कहते हुए अर्जुन को, लेकिन सुना कैसे? व्यास प्रसादात, महर्षि व्यास की कृपा से। और हम सब तक भी गीता पहुंची महर्षि व्यास की कृपा। तो व्यास एक परंपरा है और इसीलिए आज भी व्यास पीठ व्यास आसन के रूप में उन्हें प्रणाम करके उस परंपरा का स्मरण किया जाता है। और उसके बाद वह परंपरा जो हमारे तक हमारे गुरुदेव के माध्यम से पहुंची। देखो व्यास समस्त श्रुति स्मृति ज्ञान के मूलाधार, और वह ज्ञान अध्यात्म का हमारे तक जो पहुंचा गुरु के माध्यम से। संसारिक लौकिक ज्ञान जो मिलते हैं, फिजिक्स का मिलता है तो फिजिक्स का कोई टीचर ट्यूटर होगा, केमिस्ट्री का मिलता है वहाँ का, मैथ इंग्लिश हिंदी सोशियोलॉजी जिसका भी, तो उसका कोई विशेषज्ञ टीचर ट्यूटर होगा जिससे वो ज्ञान मिलता है। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, कल्याण का ज्ञान, लोक परलोक सुधारने का ज्ञान, वो प्रेरणा जो लोक भी बना दे परलोक भी बना दे, जो जीव को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दे, आवागमन से मुक्त करवा दे, जो जीव को सीधे शब्दों में ईश्वर की ओर मोड़ दे, ईश्वर से मिलवाने का आधार प्रदान कर दे, उस प्रेरणा का नाम है गुरु। लौकिक ज्ञान लौकिक ट्यूटर टीचर आचार्य उनसे मिलता है, लेकिन अध्यात्म तत्व का ज्ञान वो तो केवल और केवल गुरु के द्वारा मिलता है। वह ज्ञान वह नाम वह प्रेरणा जिसके बिना कल्याण संभव ही नहीं, परम शांति संभव ही नहीं, लोक परलोक का सुधार संभव ही नहीं, जीवन का उद्धार संभव ही नहीं, सन्मार्ग संभव ही नहीं, कहाँ चलना है कहाँ नहीं, कौन बताएगा कौन समझाएगा, वही तो गुरु है। कैसे जीव उलझा सा रहता है संसार की उहापोह उधेड़ बुन, दिन रात उन्हीं चिंताओं में उसी लेन देन में उन्हीं समस्याओं में घिरा घिरा हुआ सा जीव, कौन सचेत करता है कौन प्रेरणा देता है कि नहीं उलझन का नाम जीवन नहीं है, और इन्हीं चिंताओं में उलझे रहना इन्हीं वृत्तियों में रमे रहना बस संसार की प्राप्तियों तक जीवन मान लेना और धर्म को बिल्कुल पीछे छोड़ देना, कौन बताए कि यही जीवन नहीं, जीवन में धर्म अध्यात्म और उसके साथ तत्व स्वरूप ईश्वर को साथ लो, उस प्रेरणा का नाम है गुरु। और आज का दिन जो है व्यास से लेकर अपने गुरुदेव, हमें हम यदि सोचे कृतज्ञता का दिन है कि यदि गुरुदेव ना होते जीवन में, ना उनसे भगवद गीता प्रसाद आशीर्वाद के रूप में मिली होती तो जीवन का क्या रूप होता। और निसंदेह इसीलिए कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। तो आज का दिन उस बलिहार का दिन है, उस कृतज्ञता का दिन है, उस भाव का दिन है, उस आस्था का दिन है और साथ ही साथ समर्पण का दिन है। हम अपने को उड़ेले, अर्जुन ने उड़ेला कहा, अपनी कमियां स्वीकार करके कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, और फिर शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य आपकी शरण उचित शिक्षा मुझे दो। अर्जुन ने स्वीकारा, भगवान ने उपदेश दिया,
और वही अर्जुन जो निराश हो चुका था फिर से नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा कहकर आनंद के तराने गुनगुनाने लगा। एक समर्पण, अंदर के समर्पण को निकाले, उड़ेले स्वयं को, खाली करें अपने को। पात्र खाली होगा तो ही तो कुछ उसमें आ पाएगा। पात्र उल्टा हो ध्यान रखें, पात्र उल्टा होगा बरसात हो भी रही होगी तो कहां उसका लाभ मिलेगा। सीधा होगा लेकिन बंद होगा, लाभ नहीं मिलेगा ना। खुला होगा लेकिन भरा होगा तो भी कैसे और क्यों लाभ मिलेगा। पात्र सीधा हो, खुला हो, खाली हो, कृतज्ञता के साथ, समर्पित भाव के साथ। हम ऐसा भी निश्चित करें, मन रखो खुला खिला और खाली। कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। यदि कृष्ण कृपा है उस भाव से जुड़े हैं तो ये भी ध्यान रखें, व्यर्थ की कड़वाहटें आज के दिन निकालें। ये व्यर्थ की वृत्तियों में जीना, ईगो में, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, आवेश में, निकालो, खाली करो। कृष्ण कृपा के पन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। ना चिंता भय संताप करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। नित गीता का पाठ करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। आओ ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के भाव के साथ जुड़ी हुई, ज्ञान जो हमें मिला गुरु से, उनको मिला उनके गुरु, उनको मिला उनके गुरु, और करते करते ये परंपरा पहुंचती है महर्षि वेद व्यास, जहां से परंपरा प्रारंभ हुई। तो आज उस भाव का पर्व है, उस आस्था का पर्व है, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ठीक है, सत्य है, लेकिन इसके साथ यह भी परम सत्य है कि भारत ऋषि प्रधान देश है और ऋषि परंपरा देश की एक गौरव है। आज का दिन उस ऋषि परंपरा को स्मरण करने का दिन है, उस ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, भाव प्रकट करने का दिन है। और वो भाव तो प्रकट करें ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के प्रति, लेकिन साथ ही साथ बस दो तीन मिनट में एक दो संकेत ध्यान रखें कि नित्य गीता पाठ करते रहें, मंत्र जो मिला है वही गुरु का साक्षात स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा का साक्षात स्वरूप होता है। इस मंत्र का जाप करें और एक बात ध्यान रखें, गुरु मंत्र जीवन की परम आवश्यकता है। औपचारिकता नहीं होता गुरु मंत्र, फॉर्मेलिटी नहीं होता, वो जीवन की ऊर्जा है। मन लड़खड़ाने लगे मंत्र का जाप करो, घबराने लगे मंत्र का जाप करो, कहीं सत्य पथ से डगमगाने लगे मंत्र का जाप करो, वृत्तियां विचलित हो रही हो मंत्र का जाप करो, मन टेंशन में हो खो ना जाओ टेंशन में मंत्र का जाप करो, मंत्र की मिठास खोलो, टेंशन की कड़वाहट दूर करने का यही साधन है मंत्र जाप को। जीवन की आवश्यकता समझो, परम आवश्यकता, लोक में चिंताओं से बचाने का साधन मंत्र जाप, और परलोक का तो सहारा ही एकमात्र केवल मंत्र जाप है, केवल मंत्र जाप। जहां कुछ नहीं साथ, कोई नहीं साथ, वहां भी अगर कोई साथ होता है लोक में परलोक में, वो है मंत्र, और मंत्र के रूप में गुरु की चेतना, गुरु की ऊर्जा, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद। मंत्र जाप करो, नियमित करो, कुछ समय बैठकर आराम से करो,
मंत्र को ध्यान में लेने का प्रयास करो, नाभि से प्रारंभ करो, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी करो और भ्रिकुटी आज्ञा चक्र जहाँ तिलक वहां तक ले आओ। मन को रोको, वाणी को मौन करो, जब तक मन शांत हो तब तक उस भाव में रहो। और वो भाव ऐसा होगा कि जब मंत्र जीवन में रमने लगेगा, ऊर्जा मंत्र का तत्व आपके अंदर प्रकट होगा। अभी भी कुछ बच्चे आए, उस परिवार में एक होड़ कि चार बच्चे चारों में होड़ लग जाती है। आज मैंने 31 टाइम यानी 31 बार गीता स्तुति का पाठ किया, दूसरा बच्चा कहता है मैंने 51 बार किया। तो इस ढंग से वो होड़ आके बढ़, एक जिज्ञासा बन जाती है, एक भाव बन जाती है वो होड़, और उस होड़ में अनेकों के भाव और एक प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ते हैं। आओ ऐसा कुछ भाव बने। मंत्र जाप यदि गिनती से कर रहे हैं बुरा नहीं है, लेकिन मन को भजोड़ कर, भाव को जोड़ कर, लेकिन निश्चित करें कि जो नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं वो अवश्य करें। मंत्र के तत्व को पकड़ें, ध्यान में ले आए मंत्र को, गीता पाठ का नियम अवश्य बनाएं, निश्चित बनाएं, नियमित बनाएं, और साथ ही साथ गीता प्रेरणा अवश्य एक बार पढ़ें, मन से पढ़ें, भाव समझें कि हमारी वात्सल्य में माता जो हमें हमारे पूज्य गुरुदेव से प्रसाद में मिली और वो आगे बढ़े, इसलिए गीता प्रेरणा के भाव को एक बार जरूर पढ़ने का मन बनाएं, कुछ कुछ समय निकाल समझने के दृष्टि से। और साथ ही साथ जो गीता यज्ञ का एक आह्वान किया गया, गीता यज्ञ भी अवश्य, जो परिवार नियमित गीता यज्ञ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे आशीर्वाद तो उनके लिए भी है, लेकिन ये उनके लिए विशेष इसलिए कहा गया कि दूसरे परिवार समय नहीं कुछ लगता, समय समस्या नहीं, करोगे तो। अधिकतर परिवारों में हमने देखा, जानकारी मिली, छोटे बच्चे सुबह उठ के गीता यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं, छोटे छोटे। माहौल बनाए, वातावरण दे, बच्चों को जोड़े ऋषि परंपरा के साथ, गीता परंपरा के साथ, गीता भाव के साथ, मंत्र भाव के साथ, ताकि बच्चों के अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकले, उनका कॉन्फिडेंस जगे, उनके अंदर के आवेश निकले, उनके अंदर भाव जगे, प्रेम जगे। इस रूप में हम करें, गौ सेवा के प्रति भी भाव बनाए रखें, गौग्रास के रूप में गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।